फादर तो हर लड़की के सुपर हीरो होते हैं। और मैं इतनी खुश हूँ ना फ्रेंड्स ये देख के कि आजकल वैलेंटाइन से ज़्यादा ऑर्डर मेरे पास, मुझे बाकियों का नहीं पता, मेरे पास फादर्स डे पे, मदर्स डे पे इस तरह से इतने लोग ऑर्डर करते हैं ना। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कॉलेज गोइंग है, वो कॉल करते हैं अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ देने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ या मेरा क्लाइंट बेस ऐसा है, मुझे नहीं पता। आप लोगों के पास भी अब कब कौन से ओकेजन पे ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं आप ज़रूर बताना। तो यस, कल फादर्स डे का डे था और उसी का व्लॉग आज मैं लेकर आई हूँ। बहुत सारा काम था और एज़ यू नो, लोगों को कितना मर्जी बोल दो कि पहले से आप ऑर्डर बुक कर दो, बट वो नहीं करते हैं, उनको लास्ट मोमेंट पे याद आता है। तो कल थोड़ा ऐसा हो रहा था मेरे साथ ना कि जिसका भी कॉल आ रहा है ना वो एक अलग ही फ्लेवर डिमांड कर रहा है, तो एकदम से रन टाइम पर इतना मुश्किल हो जाता है। तो कल मैंने ये सोचा हुआ था कि दो या तीन तरह के फ्लेवर्स ही रखे हुए थे और सबको मैं यही बोल रही थी कि आप इसी में से ही चूज़ कर लो। तो दो तीन स्पंजेस मैंने एक्स्ट्रा भी बना के रखे हुए थे, पिछले दो तीन साल के एक्सपीरियंस से मेरे को ये पता है कि फादर्स डे पे मदर्स डे से भी ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं। तो फादर्स क्योंकि सुपर हीरो होते हैं हमारे तो बहुत काम रहता है। तो मैंने फिर और मैंने इस बार ब्लूबेरी में, पाइनएप्पल में और चॉकलेट में, इन्हीं में ही मैंने लोगों को ऑप्शंस दी। ज़्यादा ऑप्शंस एकदम से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे कुछ, ये सबसे पहला केक था मेरा, तो ये क्लाइंट मेरी शादी करके बाहर जा चुकी है, पहले इंदिरापुरम में ही रहती थी, शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया नाउ, तो वहाँ टाइम गैप का कुछ इशू था। इसका सबसे पहले मुझे देना था, इसने बोला था 12-1 बजे तक रेडी कर देना, राइडर बुक कर दूंगी, तो इसको अपने पापा को भेजना था। तो ये मेरा सबसे पहला केक था, मैंने फ़ोटो लगाई और रेडी कर दिया। ये सेकेंड केक था, तो ये एक छोटे से बच्चे ने, मतलब उसको ग्रीन कलर उसका फेवरेट है, अभी उसने थोड़े दिन पहले अपने पापा के बर्थडे पर कीवी केक बनवाया था और अभी उसको ग्रीन कलर का ही फादर्स डे केक चाहिए था, तो फटाफट से मैंने को भी रेडी कर दिया। कुछ कुछ टॉपर्स, कुछ कुछ एडिबल शीट्स मैंने मंगवा के रखी थी, लास्ट मोमेंट पे दिक्कत नहीं हो। उसके बाद था ये मेरा थर्ड केक, तो इसमें इस तरह का केक आजकल चल रहा है जिसमें सिर्फ डैड लिखा रहता है, बट इसके खुद के फादर आए हुए थे और एक इसके बच्चों की तरफ से अपने हस्बैंड के लिए, तो डैडी एंड पापा लिखवा लिया था इसने। तो थोड़ी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन भी कर रहे थे और लगी हुई थी मैं फटाफट से डिज़ाइनिंग करने, हो सकता है किसी की डिज़ाइनिंग मिस कर दूँ मैं, ये भी हो सकता है किसी की लेयरिंग मिस कर दूँ, बट ये जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई मैं उतना। संडे भी था कल, आपको पता है संडे इज़ अ मतलब बच्चों के साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये मैंने इसको भी रेडी कर दिया था। और उसके बाद फिर ये एक केक था जो चॉकलेट फ्लेवर में था, क्लाइंट ने इमेज भेजा था, तो ये टेक्सचर इफेक्ट कर रही थी, आगे का रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आप फोटो ज़रूर देखना, बहुत सुंदर बना था। और फिर सारे फादर्स डे के केक ख़त्म करके 5 बजे तक डिलीवरी करके फिर मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर था जो कि एक बर्थडे केक था, उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि वो मैंने कैसा बनाया था, तो साथ साथ मुझे उसकी भी टेंशन हो रही थी। तो ये था मेरा पूरा फादर्स डे का दिन व्लॉग, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट करके, कौन सा केक सबसे अच्छा लगा वो भी बताना, और आपने कितने कितने केक्स बनाए कल एज अ होम बेकर आप वो भी बता सकते हो। और मेरे वीडियोस, मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।